वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। ओके गाइस, सो ये ब्लॉग होने वाला है दोबारा सा मेरे डेली रूटीन बेस पे। एंड स्टिल जो मैं आपको अभी रेडी दिख रही हूँ, मैं ये जा रही हूँ मार्केट। एंड मार्केट जा रही हूँ आज मैं दोबारा से घनों के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। अगेन शॉपिंग ब्लॉग, अगेन मार्केटिंग वाला, बिकॉज कनु जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी नीड बढ़ती जा रही है। नीड बोले तो जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीड एक टाइप से इस टाइम से बोल सकते हैं कि बच्चे की ज़रूरत वाली चीज़ें, सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें। हालांकि मैं अपने शुना लाला को ज़्यादा मतलब मांगने वाला, ज़्यादा शॉपिंग वाला और ज़्यादा ज़िद पूरी करने वाला नहीं बनाना चाहता हूँ, बट स्टिल जो उसकी ज़रूरत है, उसको जो देने वाली चीज़ें हैं, वो तो मैं अभी फ़िलहाल ला ही सकती हूँ। क्योंकि अभी से ही बच्चों की मतलब जब वो समझने लगे और उसको अक्ल आ जाए कि उसको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उस टाइम पर ही बच्चों की हर एक चीज़ पर रोकथाम लगा देना माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना बहुत ज़्यादा बच्चे जो हो जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, मांगने वाले हो जाते हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट, एंड देन उसके बाद मैं आपको आके बताती हूँ कि मैंने मार्केट से क्या क्या ख़रीदा है। मेरे इस व्लॉग में मेरे साथ दोबारा शामिल हो जाइए। एंड वन मोर स्पेशल थिंग, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड एक बहुत ज़रूरी बात भैया, बड़ी मुश्किल से मेरे 135-136 सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत मुश्किल से लोग जो हैं उसको व्यू करते हैं, उसमें से 2 या 3 लोग हैं जो जेन्युइनली सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और वो मेरी वीडियोस को देखने के बाद लाइक करते हैं। पहली जो है जो व्यू करती है एंड मेरे हर वीडियो को लाइक करती है, वो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, वो है मेरी फ्रेंड नीतू शाह। एंड बाकी के ज़्यादा बारे में मुझे नहीं पता है कि कौन है कौन नहीं है, बट अप्रिशिएट टू दैट पीपल्स जो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। एंड बहुत जल्दी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के लिए एक क्विज कंपटीशन रखने वाली हूँ, मेरे ब्लॉग्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली, जिसमें मैं आपसे हर एक ब्लॉग में क्वेश्चन पूछूंगी। एंड इस लास्ट वाले ब्लॉग में भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। एंड एक है बंदा जो मुझे नहीं पता है कि कौन है, मेरी वीडियो को अनलाइक कर रहा है। भाई साहब, बड़ी मुश्किल से तो लाइक्स आते हैं, बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं, आपको क्या आग लगी हुई है मेरी वीडियो अनलाइक करने की? अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप मत देखिए, आपको क्यों अनलाइक करने की चढ़ी हुई है? बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई बंदा व्लॉग बना रहे हैं और आप जाके उस पर अनलाइक ठोक रहे हैं, तो डूड YouTube या तो लॉग आउट कर दीजिए या तो मेरी वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इट डजेंट मैटर टू मी कि आप अनलाइक कर रहे हैं, बट बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको, क्योंकि जेन्युइन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे लाइक कर रहे हैं और आपके अनलाइक करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जो भी हैं। एंड चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मार्केट चलते हैं, एंड देन मैं उसके बाद आके आपसे मिलती हूँ। चलिए लेट्स गो। मेगा सेल बाजार, प्यारी प्यारी मैडम इधर क्यों नहीं आ रही है आप? 100 रुपए में 4 दे रहे हैं भाई। प्यारी प्यारी मैडम, फिलहाल बाहुबली को देखो, मिनी बाहुबली, मेरा मिनी बाहुबली।
बोले बॉबले बोले बॉबले मिनी बाहुबली किसका है? ए शूट निकाल दे शूट। काजल लेके चूचू बैक एंड मैं आ चुकी हूँ मार्केट से अपनी शॉपिंग वगैरह करके। जैसे कि आपने कनू को देख लिया होगा प्ले करते हुए कि क्या मैं उसके लिए आज मार्केट से है जो है शॉपिंग करके लाई हूँ। एंड फिलहाल मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ। हालांकि अभी मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि जो चीज़ मैं उसके लिए लेके आई वॉकर की जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, सो वॉकर जो था मुझे उसके लिए पहले ही ला देना चाहिए था। हालांकि मैं उसके लिए लेट लाई हूँ, जब मैंने उससे बात करी शॉप वाले से बात करी तो उन्होंने बोला कि हाँ आप थोड़ा 9 मंथ में लेट ले रहे हो, हालांकि आपको पहले ही ले लेना चाहिए था। तो बच्चे की क्या होती है चलने की हैबिट बढ़ी। इवन फर्स्ट टाइम में मेरा सुना ला रहा तो भागने लग गया, आपने देखा उसे? हाँ जी मिनी बाहुबली, मेरा मिनी बाहुबली भैया। और मैं इसके लिए एक पॉट लेके आई हूँ, जैसे कि आपने ये देखा इसके लिए। हालांकि जो ये पॉट है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। चलिए रुको। ओके गाइस, तो ये जो पॉट है वो कुछ इस तरीके का है। जब आप इसका ये फ्रंट का ऊपर का जो ढक्कन निकालते हैं तो ये पू करने के लिए बच्चे के लिए बन जाता है, और आप इसे अलग से भी निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें ये एक हैंडल भी दिया हुआ है बच्चे के प्ले करने के लिए, और जब आपका बच्चे का काम पूरा हो जाता है तो आप उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के इसे बंद करके इसे चेयर भी बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है। एंड सेकंड जो मैं लाई हुई हूँ मेरे सुना लाला के लिए वॉकर। चीची गंदा बच्चा फिंगर्स मुंह में डाल दी है बब। और ये वॉकर लेके आई हूँ मैं उसके लिए, इसमें ये जो पहले पी 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 हुआ करते थे वो है, और एक में थोड़ा सा इसमें प्ले वाला भी है, उसमें म्यूजिकल मतलब हाथ से लाते हैं तो वैसा है। ये जो वॉकर मुझे इसका पड़ा है, ये मुझे पड़ा है 400 रुपीज़ का। एंड सेम ये जो पॉट पड़ा है ये भी पड़ा है मुझे 400 रुपीज़ का, मतलब 800 के मुझे बहुत पड़ गए। एंड ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने अपने सुना लाला जी के लिए करी है। हालांकि मुझे ये जो पॉट है थोड़ा महंगा लगा मुझे, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सुना लाला के लिए ले लिया। एंड इसमें जो मेरे को सेकंड थिंग जो इसकी बेनिफिट लगी ना, ये इसकी चेयर के लुक में है। एंड ये काफ़ी अच्छे से वो पॉट का यूज़ नहीं भी करती है तो वो एज अ चेयर इसका यूज़ कर सकती है अच्छे से। मेरी सुना लाला ये अब बाहुबली है, ये मैं मिनी बाहुबली, लो लो मेरी मिनी बाहुबली। मम्मी ने उसे बिस्किट खिलाया उसका पूरा मुंह बदल ले। देखा कैसे एंड सेकंड थिंग आपको जो मैंने मार्केट में आज जो मिनी एसएन मार्केट दिखाया ना वो डेली का, मैं आज वहाँ सेकंड टाइम गई। हालांकि आप लोगों को दिखाने के लिए गई, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जा चुकी थी बट मैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली चली गई थी। बस कैसे गई थी, हम लोग किसी शॉप में स्वेटर के लिए गए थे, स्वेटर लेने के लिए, और जब मैं वहाँ से अंदर घुसी तो वो बिल्कुल पूरा अंदर से ऐसा था एसएन मार्केट, डिटो एसएन मार्केट, कोट वगैरह सूट वगैरह, मतलब पहले वो नहीं था। हालांकि जब मतलब रोड पर जब स्टॉल वगैरह लगते थे उसकी वजह से उसे अंडरग्राउंड अंडर कर दिया गया है, तो अब अंदर जो है पूरा एक एशियन मार्केट टाइप का बना हुआ है। और इस तरीके से आजकल के कोट जो है वो सेल्स में लगे हैं 250-150 और स्वेटर्स में एंड 300-400 में कोट अवेलेबल मिल जाते हैं उस मार्केट में। बहुत ही अच्छी तरीके से अब तो बन गया है देहरादून का जो मार्केट है। मम्मी के काट दिया कन्नू ने। ओके गाइस, सो ये है मेरा आज का दिन। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड जो वो जो एक सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियो को लाइक अनलाइक करता है, प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम माई वीडियोज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर करें तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी वीडियोज़ आपके लाइक अनलाइक की। ओके, सो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय शुना भाई। कितना खुश हो रहा है मेरा चूचू वॉकर में आके, है ना मम्मी? फेस कितना गंदा कर दिया।